बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस देश में 1947 जैसे बंटवारे के हालात पैदा कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस धर्म का कार्ड खेल रही है, जिस वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव और 1947 के बंटवारे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब से लेकर 2019 तक देश में अगर माहौल खराब होता है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। कांग्रेस पार्टी इज प्लेइंग अ डेंजरस गेम, प्लेइंग द कम्युनल डिविजन, प्लेइंग अप द कार्ड ऑफ रिलीजन। इट्स फ्राइटनिंग दैट इट मे लीड टू द काइंड ऑफ डिविजन एंड द काइंड ऑफ कम्युनल disharmony which prevailed during 1947 partition. Congress party shall be solely responsible if any disharmony plays out between now and 2019 elections. निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को 2019 में हार सामने नजर आ रही है। आज की अनार्की के लिए भी भाजपा जिम्मेदार है और भगवान ने करे कि 2019 तक हम इनको पराजित न कर सके तो फिर वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति पैदा होगी।